तो जस्ट मैंने बताया कि ब्लॉक लेवल टैग क्या होता है और इनलाइन लेवल टैग क्या होता है, ठीक है। अब मैं इसको आपको इंप्लीमेंट करके बताता हूं। जो भी सारा पॉइंट्स मैंने बताया, ठीक है, कि ब्लॉक लेवल को इनलाइन लेवल टैग में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, इनलाइन लेवल को ब्लॉक लेवल टैग में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। आप ही बताओ, ब्लॉक लेवल टैग का मैंने चार डिफिनेशन, मैंने चार पॉइंट्स मैंने बताया, राइट, कि ब्लैक ब्लॉक लेवल टैग ऑटोमेटिकली न्यू लाइन जनरेट करता है, पूरे विड्थ को कवर करता है, ठीक है, इसमें हाइट विड्थ डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, और ब्लॉक लेवल टैग को इनलाइन लेवल टैग में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। ये चारों पॉइंट आपको याद रखना है, और चारों पॉइंट को मैं जस्ट अभी इंप्लीमेंट करने जा रहा हूं। और इनलाइन ब्लॉक याद रखेंगे, इनलाइन लेवल याद रखेंगे, ये न्यू लाइन जनरेट नहीं करता है, हाइट विड्थ डिफाइन नहीं कर सकते हैं, पूरे वृत्त को वो कवर नहीं करता है अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट एरिया, ठीक है, और इनलाइन को ब्लॉक लेवल में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक और यहां पे मैं कहना चाहूंगा कि जब इनलाइन लेवल टैग ब्लॉक लेवल टैग में कन्वर्ट हो जाएगा तो उसके साथ हम लोग हाइट विड्थ डिफाइन कर सकते हैं। जब ब्लॉक लेवल टैग बन गया तो हाइट विड्थ डिफाइन कर सकते हैं। और आप ये भी जानते हैं कि जब ब्लॉक लेवल टैग को हम इनलाइन बना देंगे तो क्या उसके साथ हाइट विड्थ डिफाइन कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो पहले तो देख लेते हैं कि ब्लॉक लेवल टैग कैसे न्यू लाइन जनरेट करता है, कैसे हाइट विड्थ को डिफाइन कर उसमें स्पेसिफाई करेंगे, इनलाइन कितने विड्थ को कवर करेगा, इनलाइन में हाइट विड्थ डिफाइन कर सकते हैं या नहीं, तब बात आती है कन्वर्जन का। आइए, तो हम लोग सबलाइन स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, देखिए वैसे लिखा हुआ भी है यहाँ पे, ये कल मैं DSCIT बैच में बताया है, ठीक है, इनलाइन लेवल टैग। वैसे मैं ग्रुप में भी भेज दूंगा, ठीक है। और एक चीज और मैंने बोला था, अभी सारा इंस्ट्रक्शन मैंने दिया है मोबाइल से रिलेटेड, हाँ ठीक है। और सर का एक ऑडियो मैसेज में भी था कि अगर टीचर आपको अलाउड करते हैं क्लास में, ठीक है, तो आप वहां पे कुछ वैसा हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसमें जरूरी है। सपोज मान लो कि जब आपके क्लास में तो प्रोजेक्टर है, मान लीजिए कि अगर किसी कारण से प्रोजेक्टर डिस्टर्ब हुआ, ठीक है, टेक्निकल इश्यू आ गया, अब मुझे लगता है कि नहीं जो चीज मुझे बताना है वो पूरी तरह से प्रैक्टिकल है, बोर्ड पे नहीं हो पाएगा, तो उस केस में टीचर आपको अलाउड करा सकते हैं। उस पे भी बोर्ड पे लिखा हुआ रहेगा कि मैंने इस क्लास में मोबाइल अलाउड किया है, उसके बाद जैसे ही टीचर जाएंगे आपको मोबाइल को स्विच ऑफ कर लेना होगा। तो ये सब आपको ध्यान देना होगा, ठीक है। और ऐसा नहीं, नियम देखिए, अगर हम ऐसा करते कि 500 फाइन कर देते, फाइन करके और तुरंत मोबाइल दे देते, तो बहुत सारे बच्चे 500 दे देते। लेकिन ये जो 7 दिन जो मोबाइल आपसे दूर रहेगा ना, तो एक जो बेचैनी होता है ना वो होने लगेगा आपको। तो सोच लीजिए, तो एक डर ये आपके लिए पैदा किया जा रहा है कि पढ़ाई में किसी भी तरह का, क्योंकि आपको टारगेट दिखाई देना चाहिए कि मुझे फाइनल ईयर में प्लेसमेंट होना चाहिए, और अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो पॉसिबल तो है ही नहीं। इसी में से जो भी बच्चे हैं, ठीक है, 40 बच्चे 50 बच्चे, जिनका अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा उनका प्लेसमेंट होगा, जो शुरू से ही ध्यान नहीं दिए तो उनका तो प्लेसमेंट होगा ही नहीं। तो वही चीज मैंने यहाँ पे इनलाइन लेवल टैग और ब्लॉक लेवल टैग में मैंने लिखा है, ओके, ऑलरेडी वही पॉइंट्स है। लेकिन मैं यहाँ पे ये जो कोडिंग मैं आपके सामने करना चाहता हूं,
इस कोडिंग को ठीक है या समझा दें, ये तो पढ़ा हुआ है, देखिए मैं समझा रहा हूं। यहाँ पे बॉडी टैग के अंदर एक पी यूज किया गया है, पैराग्राफ तो दिखाई दे रहा है। इसका फॉन्ट भी कहीं से बढ़ता है ना, कंट्रोल प्लस था, कंट्रोल प्लस ही था ना। ओके दिखाई दे रहा है, तो आप देखिए यहाँ पे पी टैग यूज किया गया है। जैसा कि आप पी टैग जानते हैं कि ब्लॉक लेवल टैग है, पी टैग ऑटोमेटिकली न्यू लाइन जनरेट करता है। ब्लॉक लेवल टैग का सारा फीचर इसमें काम करेगा फर्स्ट में कि पी टैग हमारा न्यू लाइन जनरेट करेगा। ओके ठीक है, पूरे विथ एरिया को ये क्या करेगा, कवर करेगा। जैसे देखो मैंने यहाँ पे यूज किया है इनलाइन स्टाइल, पी टैग के साथ मैंने दिया है बैकग्राउंड कलर, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे ग्रीन बॉर्डर यूज कर दिया है। अभी मैंने हाइट विथ ये चीज हटा दिया, मैंने यहाँ से इस चीज को हटा दिया। आप देखिए बाय डिफॉल्ट ये पूरे विथ को कवर करता है कि नहीं, क्योंकि वो पॉइंट है जो मैंने बताया है। ओके बस वेलकम टू ब्लॉक लेवल टैग जो पैराग्राफ के अंदर मैंने लिखा है, ठीक है, वो आप देख रहे हैं उसका बैकग्राउंड कलर ग्रीन। अगर वो पूरे विथ को कवर करेगा तो पूरा ग्रीन कलर हो जाएगा ना, और बॉर्डर तो रहेगा ही। ओके उसी तरह से H1 में भी मैंने वही चीज किया है। इसका भी मैं अभी हाइट वेट हटा देता हूँ, ठीक है, इसको मैं कट कर देता हूँ, फिर मैं कॉपी कर लूंगा यहाँ पे कंट्रोल एक्स, यहाँ पे नहीं लगा सकते इन लाइन में। ओके चलिए ये भी हो चुका। अब यहाँ पे एक स्पैन टैग है ना आपका, स्पैन टैग में मैंने सेमी कॉलन लास्ट में आप दे भी सकते हैं नहीं भी दे सकते हैं, लेकिन कब देना मैंडेटरी है जब उसके आगे हाँ और स्टाइल दिया हो। ओके अभी हम यहाँ हटा भी दिए, तो देखो तो स्पैन टैग यहाँ पे है, ये लास्ट में आप जो देख रहे हैं यहाँ पे स्पैन टैग, स्पैन टैग हमारा इनलाइन लेवल टैग है। मैंने इसमें भी बैकग्राउंड कलर यूज किया है, यहाँ पर भी मैंने बॉर्डर यूज किया है। अब वेलकम टू इनलाइन लेवल टैग, स्पैन हमारा इनलाइन लेवल टैग है। अगर आप इसको एग्जीक्यूट कराओगे तो इसका विथ जानते हो कहां तक होगा, जहां तक टेक्स्ट होगा, जहां तक टेक्स्ट होगा वेलकम टू इनलाइन। ओके फिर यहां पे है आपका ये पी और एच वन पूरे विथ को कवर करेगा। अब मैं इसको रन करा रहा हूं, आप देखिए ये आउटपुट जो देख रहे हैं पूरे ब्लॉक लेवल को कवर कर रहा है ना, ठीक है, पूरे विथ को कवर कर रहा है, और ये सेकेंड H1 है ना ये भी, लेकिन यही नीचे देखिए तो आप वेलकम टू इनलाइन लेवल टैग। आई बात समझ में, जितना टेक्स्ट था उतना ही विथ को कवर किया। ओके अब यहाँ पे मैंने एक चीज बताया था कि ब्लॉक लेवल टैग में हाइट विथ हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, ब्लॉक लेवल टैग में हाइट विथ डिफाइन कर सकते हैं जबकि इनलाइन में नहीं कर सकते हैं। ओके तो देख लीजिए हम सबसे पहले यहां पे जो मैंने कट किया था मैं यहां पर पेस्ट कर देता हूं सेमी कॉलन देकर कंट्रोल भी। देखिए मैंने इसमें हाइट डिफाइन कर दिया 100 पिक्सल और विथ 600 पिक्सल। ओके अगर अब इसको रन कराया जाए तो अब आप इसका आउटपुट देखिए, रिफ्रेश किया गया, चेंज हो गया, विथ मैंने 600 दिया था ये, तो देख रहे हैं कि ब्लॉक लेवल टैग में हम कर सकते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे
ठीक है, स्पैन के साथ, स्पैन तो हमारा क्या है, इनलाइन लेबल है, तो मैं यहां पर भी सेमी कॉलन दे दिया। यहां पर मैं कोशिश कर रहा हूं हाइट विड्थ डिफाइन करने का, तो यहां पर देखिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने इसको रिफ्रेश किया, क्या कोई फर्क पड़ा वेलकम टू इनलाइन लेवल टैग पे? नहीं। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए पूरे सीएसएस में, क्योंकि जब आप इनलाइन, जब आप सीएसएस में अपने वेब पेज को डेकोरेट करेंगे तो बहुत जगह आपको इनलाइन को ब्लॉक में कन्वर्ट करना पड़ सकता है और ब्लॉक को इनलाइन में कन्वर्ट करना पड़ सकता है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। ओके, अब इसके लिए अब प्रश्न ये उठता है कि हाउ डू यू कन्वर्ट इनलाइन इनटू ब्लॉक एंड ब्लॉक इनटू इनलाइन। तो इसके लिए हम लोग डिस्प्ले स्टाइल यूज करते हैं। कौन सा स्टाइल? डिस्प्ले। ओके, जो मैंने आपको पीडीएफ पीपीटी शेयर किया है वो ऑलरेडी है यहाँ पे। ये रहा सीएसएस। याद कीजिए फ्लोट और क्लियर मैंने बताया था, मैं डायरेक्ट मैंने एक्सप्लेन नहीं किया था, लेकिन लेआउट मैंने आपको बताया है ना वेब पेज को डिवाइड करने के लिए, कि आपके बैच में नहीं बताया है? ओके 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 ओके, ठीक है, नहीं मुझे लगा कि बताया है। तो इस चीज को हम लोग अब डिस्प्ले को समाप्त करने के बाद नेक्स्ट क्लास में लेआउट बनाना बहुत जरूरी है, जो आपने प्रोजेक्ट में बनाया था एचटीएमएल में। ठीक है, हाँ, टिप के थ्रू हम लोग वेब पेज को मोर देन वन पार्ट में डिवाइड करेंगे। ठीक है, देखिए टिप टैग और स्पैन टैग के बारे में जो एचटीएमएल में मैंने नहीं पढ़ाया था, यहाँ पे मैं उसको डिस्कस करूंगा, और अभी इसमें टेबल से रिलेटेड है। अभी हम लोग यहाँ पे वो देखते हो है कि नहीं, पहले ही डिस्प्ले करके कहीं होगा। ओके, ठीक है, यही चीज है। अब देखिए डिस्प्ले प्रॉपर्टी का काम है कि ब्लॉक लेवल टैग को हम लोग इनलाइन लेवल टैग में कन्वर्ट कर सकते हैं। और एक चीज, जब भी आप लोग जो आप बनाते हैं प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन इतना फिजिबल होना चाहिए, तो ऐसे ही एक तरह से बनाया नहीं गया है, हम लोग के पास उतना टाइम नहीं रहता है, कट कॉपी पेस्ट किया गया है, लेकिन पेजिबिलिटी इतना अच्छा होना चाहिए पीपीटी का कि अगर आप लास्ट में है तो वहां से भी विजिबल होना चाहिए। आ रही बात समझ में? अब यहाँ पे जो कलर रेड कलर है वो बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन व्हाइट तो पता चल रहा है। ठीक है, तो प्रेजेंटेशन बहुत मतलब क्लियर होना चाहिए, प्रिसाइज होना चाहिए, और
अगर जहां पिक्टोरियल फॉर्मेट में है, पिक्टोरियल फॉर्मेट में होना चाहिए। पिक्टोरियल फॉर्मेट कहने का मतलब ग्राफिकल फॉर्मेट में, जहां जरूरी है वहां पे फिजिबल होना चाहिए। ठीक है, अगर किसी चीज को आप ग्राफिकल फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करते हैं तो ज्यादा ही बेस्ट होता है। तो मैं यहाँ पे पढ़ देता हूँ, ठीक है, आपके पास ऑलरेडी है भी। डिस्प्ले प्रॉपर्टी में कुछ वैल्यूज है यहाँ पे। एक डिस्प्ले में लिखा गया है, यहाँ पे नन लिखा गया है। सपोज किसी एलिमेंट को तुम डिस्प्ले नहीं करना चाहते हो, किसी एलिमेंट को डिस्प्ले नहीं करना चाहते हो तो डिस्प्ले में हम वहां पर क्या लिख देंगे, नन लिख देंगे। वो डिस्प्ले नहीं होगा, वो हाइड हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, हाइड। लेकिन हाइड करने के लिए और दूसरा भी स्टाइल है, ठीक है, जस्ट इसके बाद फिजिबिलिटी या फिजिबल करके होगा, ठीक है। लेकिन दोनों में डिफरेंस है, मैं बताऊंगा। यहां पे देखिए लिखा हुआ है कि द एलिमेंट इज कंप्लीटली रिमूव्ड। डिस्प्ले नन में लिख देंगे तो अगर मान लो कि वेब पेज में चार डिव टैग है, आप अपने वेब पेज में चार डिव टैग बनाए हो, राइट, हम चाहते हैं कि थर्ड वाला डिव टैग, ठीक है, हाइड हो जाए, तो अगर उसमें डिस्प्ले नन लिख देंगे, क्या लिख देंगे, डिस्प्ले नन लिख देंगे तो हाइड ही नहीं होगा। वो जितना एरिया हाइड भी कवर किए हुए है ना, वो हाइट वेट भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, यानी कंप्लीटली रिमूव हो रहा है ना, ठीक है, कंप्लीटली रिमूव हो रहा है। किसी भी एलिमेंट को हाइड करने के लिए अगर डिस्प्ले नन लिखेंगे तो वो एलिमेंट जितना एरिया ऑक्यूपाई किए हुए था वो एरिया भी क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। आई बात समझ में, ओके, ठीक है। अगर सपोज देखो, कहने का मतलब ये है मेरा कि ये हमारा वेब पेज है, ओके, अब यहां पे मैंने, ठीक है, ये डिव टैग बनाया है और इसको डिस्प्ले नन कर देंगे तो ये रिमूव होकर जो जितना एरिया स्पेस किया है उतना एरिया भी क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो कहने का मतलब कि ये जो थर्ड वाला है ये कहां पहुंच जाएगा, इसके पास ना, क्योंकि उसका एरिया ही खत्म हो गया, कंप्लीटली रिमूव हो गया। वही फिजिबिलिटी के थ्रू तुम जब हाइड करोगे तब वो हाइड हो जाएगा, लेकिन उसका एरिया वहां पर क्या रहेगा, डिस्प्ले करेगा। क्लियर है ना, ओके। नेक्स्ट है डिस्प्ले ब्लॉक। डिस्प्ले ब्लॉक कहता है कि एलिमेंट को, किसी भी एलिमेंट को जब तुम ब्लॉक लेवल में कन्वर्ट करना चाहते हो तो डिस्प्ले ब्लॉक लिख दो। क्या लिख देंगे, डिस्प्ले ब्लॉक। बाय डिफॉल्ट जो ब्लॉक लेवल टैग है वो उसका तो बाय डिफॉल्ट डिस्प्ले क्या है, ब्लॉक है ही। जैसे इनलाइन में जैसे स्पैन टैग है, एंकर टैग है, बोल्ड में बी है, आई है, ये सब क्या है, इनलाइन लेवल टैग है। और इसको जब तुम ब्लॉक लेवल टैग में कन्वर्ट करना चाहते हो तो बस क्या लिख देंगे, डिस्प्ले ब्लॉक। जब एंकर टैग में डिस्प्ले ब्लॉक लिख देंगे तो उसमें आप अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट हाइट विड्थ डिफाइन कर सकते हो और ऑटोमेटिकली और न्यू लाइन जनरेट करेगा, ओके। अब यहां पे लिखा हुआ है डिस्प्ले इनलाइन। क्या लिखा हुआ है, डिस्प्ले इनलाइन। अगर ब्लॉक लेवल टैग को इनलाइन लेवल टैग में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो डिस्प्ले हम लोग क्या लिख देंगे, इनलाइन लिख देंगे, ओके। अगर डिव टैग ब्लॉक लेवल टैग है, उसको कोई कहे कि हम डिव टैग के साथ चाहते हैं कि हाइट विड्थ काम नहीं करे तो उस डिव टैग को किसमें कन्वर्ट करना होगा, इनलाइन में, तो उसके लिए कौन सा प्रॉपर्टी यूज करेंगे, डिस्प्ले इनलाइन, ओके। अब यहां पे यूज किया गया है डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। क्या यूज किया गया है, इनलाइन ब्लॉक। इनलाइन ब्लॉक कहता है, ठीक है, कि हम चाहते हैं कि किसी भी, जैसे डिव टैग है, हम चाहते हैं कि डिव टैग न्यू लाइन जनरेट करे, डिव टैग न्यू लाइन जनरेट करे, लेकिन हम चाहते हैं कि उसके साथ, सॉरी, डिव टैग न्यू लाइन जनरेट नहीं करे लेकिन उसके साथ हाइट विड्थ डिफाइन करना चाहते हैं। आप जानते हो कि अगर वो कंप्लीटली ब्लॉक लेवल टैग रहेगा तो ऑटोमेटिकली न्यू लाइन भी जनरेट करेगा और हाइट विड्थ भी डिफाइन करेगी, ओके? लेकिन मैं चाहता हूं कि वो न्यू लाइन जनरेट ना करे, न्यू लाइन जनरेट ना करे, लेकिन हम हाइट विड्थ डिफाइन कर सकते हैं। जैसे
अभी आप ये जो देख रहे हैं ये डीप टैग ऑटोमेटिकली न्यू लाइन जनरेट करेगा ना, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये डीप टैग ऐसे हॉरिजॉन्टली बने। आ रही बात समझ में? तो ये न्यू लाइन जनरेशन को क्या करना होगा, तो समाप्त करना होगा ना। तो हम लोग उस केस में क्या यूज करेंगे, डिस्प्ले इन लाइन ब्लॉक। ओके, अब यहां पे जस्ट मैंने बोला कि विजिबिलिटी, ठीक है, जो भी एलिमेंट आप यूज करना चाहते हैं, ठीक है, यहां पर विजिबल विजिबिलिटी उसका हाइड करना चाहते हैं या विजिबल करना चाहते हैं, बाय डिफॉल्ट तो कोई भी एलिमेंट विजिबल रहता है ना। तो यहां पर लिखा हुआ है कि विजिबिलिटी करने का मतलब क्या है कि द विजिबिलिटी प्रॉपर्टी, मैं ऐसे ही समझा देता हूं, वो तो आप पढ़ेंगे तो समझ में आ ही जाएगा। विजिबिलिटी के द्वारा जब हाइड करेंगे किसी भी एलिमेंट को, तो एलिमेंट तो हाइड हो जाएगा, लेकिन जितना एरिया यूज किए हुए हैं वो एरिया हमारा रिमूव नहीं होगा, लेकिन जब डिस्प्ले के थ्रू नल कर देंगे तो कंप्लीटली रिमूव हो जाएगा। यही डिफरेंस है। और जब डायनेमिकली जावास्क्रिप्ट के थ्रू, जावास्क्रिप्ट जब हम लोग पढ़ेंगे तो डायनेमिकली सारे एट्रीब्यूट्स को अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, सारे सीएसएस को प्रॉपर्टी को डायनेमिकली यूज कर सकते हैं। अभी अगर मान लो कि डीप, हम चाहते हैं कि डीप टैग का बैकग्राउंड कलर रन टाइम सेट हो, क्या हम अभी सीएसएस में कर सकते हैं? अभी तो आप स्टैटिक वे में कर रहे हो, यानी वेब पेज में ही दे रहे हो। हम ड्यूरिंग रन टाइम करना चाहते हैं, हम रन टाइम करना चाहते हैं कि ये टैग ब्लॉक लेवल टैग में कन्वर्ट हो जाए और ये इनलाइन लेवल टैग में कन्वर्ट हो जाए रन करने के बाद, तब तो उसको हम किसके थ्रू करेंगे? जावास्क्रिप्ट के थ्रू करेंगे, ठीक है। तो यही चीज था, अब इसको जस्ट हम लोग को इंप्लीमेंट कर देना है। देखिए मैं अब इंप्लीमेंट कर रहा हूं यहां पे, तो हम लोग आते हैं यहीं पे सबलाइन में। ओके, और यहां पे मैं अब चाहता हूं कि ये आप देख रहे थे पी जो हमारा ब्लॉक लेवल टैग है, इसको हम चाहते हैं कि इसमें हाइट विथ वर्क नहीं करे। आ रही बात समझ में? बिल्कुल पूरी तरह से ये क्या बन जाए, इनलाइन बन जाए। तो बस कुछ नहीं, मैंने यहां पे अब इस कोडिंग को यहाँ पे कहीं पर भी मैं लिख देता हूं, ये लास्ट यहीं पे मैंने लिख दिया, यहाँ पे डिस्प्ले इनलाइन, डिस्प्ले इनलाइन मैंने लिख दिया। अब हाइट विड्थ मैंने डिफाइन किया है ना, तो क्या ये वर्क करेगा? देख लीजिए, सेव किया मैंने, अब मैं रन करा रहा हूं। अभी तो आप देख रहे थे कि ये काम कर रहा था, अब हम इसको रिफ्रेश कर रहे हैं। कहा किया, बन गया इनलाइन, जिस तरह से स्पैन टैग था उसी तरह से। ओके, अब मैं इसको भी ब्लॉक लेवल टैग, ये जो H1 है इसको भी मैं बनाना चाहता हूं, ठीक है। और ये भी ध्यान रखिए, जब इनलाइन बना देंगे तो न्यू लाइन भी तो जनरेट नहीं करेगा ना। अभी तो फर्स्ट में पी टैग यूज हुआ था, उसके बाद H1 यूज हुआ था, ऑटोमेटिकली न्यू लाइन क्या हो रहा था, जनरेट हो रहा था, ठीक है। तुम खड़े हो जी? हाँ, ऐसे ही मुंह चला रहे हो कि कुछ नहीं, उसको उसको बोलो हाँ। तुम बैठो। कुछ खा रहे हो क्या, आदत है क्या? चलिए बैठिए तब, ये सब ध्यान देना होगा, ये मैं आपके लिए बोल रहा हूँ, मुझे कहीं भी किसी भी तरह का कुछ वैसा लगेगा। अब देखो वो कंप्लीट, मतलब वहां तक वो एक्सेप्ट किया है कि सर हम बहुत पहले कहाँ चला गया, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे नहीं बोलना चाहते हैं, लेकिन उसको बिल्कुल नशा का गलत आदत है, वो एक्सेप्ट भी किया है, मैं उसके साथ जब डिस्कस कर रहा था। तो इसलिए मेरा फर्ज बनता है गार्जियन की तरह कि मैं आप
अगर आपको कहीं प्रॉब्लम हो सकता है कि टीचर का किसी टीचर का बात समझ में आ जाए, किसी बच्चे को होता है ऐसा, मम्मी पापा से नहीं होता है लेकिन टीचर से कभी कभी हो जाता, वैसे बच्चे को मैंने देखा है सुधरते हुए। ओके, तो डिस्प्ले इनलाइन, अब यहाँ पे उसी तरह से, और एक चीज आप दिमाग में रख लीजिएगा, टीचर स्टूडेंट के बीच में एक ऐसा रिलेशनशिप है, तो किसी कोई भी टीचर हो कभी भी आपके साथ गलत होते हुए नहीं देख सकता है, ठीक है। अगर भले हम पढ़ाने में भले कमजोर हैं, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, लेकिन मैं आपके साथ गलत होते हुए नहीं देख सकते हैं, बोलेगा कि नहीं मेरे पढ़ाया हुआ स्टूडेंट है। और आप भी जब कहीं पर भी मिलिएगा, आप बहुत बड़ा आदमी बन जाए, लेकिन आपको ये कभी भी होगा कि नहीं ये सर पढ़ाए थे। एक ऐसा ये रिलेशनशिप होता है टीचर स्टूडेंट को, टीचर और स्टूडेंट में। अब जो ठान ही लिया है कि मुझे कुछ नहीं करना है, बस एडमिशन ही लेने, तो आप खुद से खुद 10 दिन क्लास को आप डिस्टर्ब करेंगे, जहां पता चल जाएगा कि नहीं, आप हर दिन आपको संभलने का मौका दिया गया, आप नहीं संभले तो आपको बाहर भी किया जा सकता है। तो अब हम लोग यहां पे आ जाते हैं H1। मैं चाहता हूं कि हाँ, तो अब हम लोग यहाँ H1 तो जब यूज हुआ था ऑटोमेटिकली न्यू लाइन में आएगा ना, लेकिन इसको भी वही कर दिया जाए। यहां पर लिख दीजिए डिस्प्ले इन लाइन। ओके, अब देखिए आप रिफ्रेश, देखिए तो सेम लाइन में हो गया। आप टी टैग ऑटोमेटिकली न्यू लाइन जनरेट करता है, डीप टैग भी करता है, मैंने यहाँ H1 भी करता है, लेकिन सारा तो एक लाइन में आ गया, यानी न्यू जनरेशन को भी क्या कर दिया, न्यू लाइन जनरेशन को समाप्त कर दिया। अब आते हैं स्पैन टैग, इनलाइन लेवल टैग होता है ना, स्पैन टैग को अब हम लोग ब्लॉक लेवल टैग में कन्वर्ट करते हैं, राइट। तो बस डिस्प्ले मैंने यहाँ पे इसी में ना, हाँ मैं लिखता हूं यहां पर, ध्यान दीजिए डिस्प्ले ब्लॉक। ओके, अब हाइट विड्थ ये है ना यहाँ पे, अब हाइट विड्थ काम करेगा या नहीं करेगा, न्यू लाइन जनरेट करेगा या नहीं करेगा, करेगा। कंट्रोल एस, देखिए स्पैन टैग न्यू लाइन में आ जाएगा, आ गया, हाइट वेट भी दे दिए। ओके, एक और मैं चाहता हूं कि न्यू लाइन ब्लॉक लेवल टैग न्यू लाइन जनरेशन को समाप्त करे, लेकिन उसके साथ हाइट वेट डिफाइन करे, तो वो मैं H1 के साथ कर देता हूं, ताकि तीनों यूज हो जाएगा H1 के साथ। तो डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक ना, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। ओके, ये न्यू लाइन जनरेशन को समाप्त करेगा, लेकिन इसके साथ हाइट विड्थ डिफाइन कर सकते हैं। तो मैं कॉपी कर लेता हूं कंट्रोल भी, ठीक है। ओके, अब आप रन कराइए, हो गया। तो यही चीज है, और एक चीज और मैं बता देता हूं, यहाँ पे डिस्प्ले नम था ना एक, तो आप देखिए यहाँ पे कोडिंग में हम चलते हैं, बस कुछ नहीं यहाँ पे जो, हाँ एक कोई भी एक को मैं कॉपी कर लेता हूं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और मैं ये डिस्प्ले इनलाइन के जगह पे डिस्प्ले क्या कर देता हूं, ओके ठीक है। अभी अगर मैंने इसको कट कर दिया, मैं केवल समझाने के लिए, इसके बाद मैं इसको यूज करता हूं कंट्रोल एक्स। अब आइए,
अब तो वहां पर एक बन जाएगा ना, ठीक है। लेकिन अब ये जो नया बना, अब इसको क्या कर देना है, ठीक है, कंप्लीटली रिमूव कर देना है। तो आप यहाँ पे हाँ कंट्रोल भी ओके, आप देखिए ओके हट गया। चलिए और अगर यही चीज हम हाँ क्या यूज कर लेते, फिजिबिलिटी यूज कर लेते, फिर मैं इसको कॉपी कर रहा हूं, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी, ठीक है। डिस्प्ले यहां पर क्या देंगे, फिजिबिलिटी, नहीं फिजिबिलिटी तो स्टाइल ही था, फिजिबिलिटी दे दिया। और फिजिबिलिटी में हम यहां पर वैल्यू में क्या था, हिडन था नहीं, ओके अब ये हाइड हो जाएगा, लेकिन अपने एरिया को ठीक है, एरिया रह जाएगा। आप देख लीजिए रह गया ना यहाँ पर एरिया, ओके हाइड हो गया है लेकिन एरिया रह गया है। बस आज के क्लास में हम लोग को यही चीज देखना था मेनली, कि ब्लॉक लेवल टैग को इनलाइन लेवल टैग में कैसे कन्वर्ट करेंगे और इनलाइन को ब्लॉक लेवल टैग में कैसे कन्वर्ट करेंगे। कोडिंग मैं आपके ग्रुप में शेयर कर दूंगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग अटेंडेंस बना लेते हैं। इनलाइन के साथ, इनलाइन तो ऐसे भी इनलाइन जनरेट नहीं करता, एक मिनट एक एक उसको बोल ले दो, हाँ बोलो इनलाइन तो पहले से भी न्यू लाइन जनरेट नहीं करता है, उसके साथ हाइट भी डिफाइन करना चाहते हो तो अगर हम एक मिनट डिस्प्ले में इनलाइन ब्लॉक लिख देंगे तो हो जाएगा, इनलाइन न्यू लाइन जनरेट नहीं होने देगा ऐसे ही, और तुम उसके अंदर क्या डिफाइन करोगे, हाइट भी। आई बात समझ में,